कम। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूँ। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है, यानी कि अगर आपको तलाक लेना है, और इनमें से अगर आपके पास में एक भी ग्राउंड है, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही आसानी से तलाक मिल जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कौन कौन से ग्राउंड हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कहीं से भी ये वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी, पूरा वीडियो देखना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं, जैसे आपके ऊपर अगर दहेज लेने का आरोप लगा है और वो आरोप अगर झूठा है, या फिर आपके ऊपर किसी के साथ में रिलेशन का आरोप लगा है, रिलेशन का आरोप, जैसे आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपका किसी अन्य के साथ में चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, या फिर आपका किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन है, इस तरीके का आरोप अगर आपकी पत्नी झूठा आपके ऊपर लगाती है, या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाती है कि ये लोग मेरे साथ में छेड़खानी किए, जैसे वो आपके ब्रदर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाती है, या फिर आपके फादर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाती है, तो इस तरीके के आरोप अगर वो आपके ऊपर लगाती है, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी झूठी कंप्लेंट देती है, झूठी शिकायत देती है, झूठे आरोप वहाँ पे लगाती है, आपको बदनाम करने की कोशिश करती है, आपको धमकी देती है, तो इस तरीके से अगर वो आपके साथ मेंटल क्रुएल्टी करती है, यानी कि कुल मिला के अगर वो आपको परेशान करती है, मेंटली हरासमेंट करती है, तो वो सब कुछ आएगा मेंटल क्रुएल्टी के अंदर। तो ये सारे मेंटल क्रुएल्टी के पार्ट बनते हैं। तो इनमें से अगर एक भी ग्राउंड आपके पास में है, और बहुत सारे ग्राउंड ऐसे भी होते हैं जो आपके मेंटल क्रुएल्टी के अंतर्गत आते हैं, तो इस जजमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। इनमें से अगर एक भी ग्राउंड आपके पास में है और मेंटल क्रुएल्टी का अगर वो पार्ट बन रहा है, तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज करके बहुत ही आसानी से तलाक ले सकते हैं, क्योंकि इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि मेंटल क्रुएल्टी के आधार पे, इन ग्राउंड के आधार पे आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जजमेंट है शिव शंकरन वर्सेस शांति मिनल के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके और अपने केस में इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, आसानी से तलाक ले सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट बहुत ही लेटेस्ट है, अभी खास आपके लिए आया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके, शेयर जरूर करना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।